आज हम स्पेशल कवरेज न्यूज के टीम के साथ भाटपरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। यहां पे एक जुझारू और तेज तरार हिंदूवादी नेता जिनका नाम प्रियांकु पांडे है, आज हम उनसे रूबरू होंगे और यहां के जिनके प्रति जय श्री राम के नारे पे बोलने पे 64 लोगों की लिस्ट जो जारी हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे कि इस पे इनका क्या राय है। देखिए, जय श्री राम का विरोध का यहाँ तक बात है। अभी आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में समस्त भारतवर्ष के लोग एक ही बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जय श्री राम का विरोध ममता जी क्यों कर रही है, उनकी पार्टी क्यों कर रही है। ये इनकी बौखलाहट को प्रदर्शित कर रहा है। वो परेशान हो चुकी है, उन्हें समझ में आ चुका है कि मेरी सत्ता जा रही है और उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी है। रही बात 64 लोगों की लिस्ट जारी करने की, पता नहीं ये कहाँ तक सही है या गलत है। ममता बनर्जी कैसा लिस्ट बना रही है या वो क्या लिस्ट दिखाना चाह रही है, वो क्या भाटपाड़ा की जनता के साथ करना चाह रही है, ये वो जाने। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि जब जय श्री राम के मुद्दे पे या जय श्री राम बोलने वालों को आप यदि किसी भी तरह से गलत मामले में यदि फंसाना चाहते हैं या उनका लिस्ट तैयार कर रहे हैं, तो मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं कि वो संख्या 64 पे जाके नहीं गिरेगी। वो संख्या बैरकपुर पार्लियामेंट में भाटपाड़ा विधानसभा को लेकर के कम से कम 10 लाख की संख्या होगी जो एक साथ ममता बनर्जी जी को चैलेंज करते हुए दिखेगी कि मैं जय श्री राम बोलता हूं, मैं राम जी का भक्त हूं, मैं सनातन धर्म का व्यक्ति हूं और जय श्री राम को उद्घोष करने से यदि आपको परेशानी है तो आपको जो करना है आप कर सकते हैं, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। ये संख्या 64 नाम मात्र की संख्या रह जाएगी, उसे आप 10 लाख में ले जाएं। मैं ममता बनर्जी और पूरे तृणमूल के शासन को मैं चैलेंज करता हूं कि आपको यदि पकड़ना है, यदि झूठे मामले में फंसाना है, तो आप एक साथ आपको 10 लाख लोगों को ले जाना होगा और 10 लाख लोगों को फंसाना होगा, क्योंकि सभी लोग तैयार हैं अपने राम जी के साथ चलने के लिए, हमारे माननीय सांसद अर्जुन सिंह जी के साथ चलने के लिए सब लोग यहाँ की जनता तैयार है। इसलिए आपको जो करना है आप कर ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अर्जुन सिंह जी कह रहे थे कि भाटपाड़ा को भगवा बनाएंगे, इससे बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, भाटपाड़ा को वो भगवा बना चुके हैं। आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद जब वो एयरपोर्ट पे आए थे, दमदम एयरपोर्ट पे आते के साथ उनका जो स्वागत हुआ था वो भगवा के साथ ही स्वागत हुआ था। भगवा को मानने वाले हम सब व्यक्ति जो जन्म के साथ भगवाधारी हैं वो उनका स्वागत में लग गए थे और पूरी भाटपाड़ा ने बैरकपुर की जनता भगवा हो चुकी है और भगवा उनके अंतरात्मा में था जो आज रास्ते पर दिख रही है। क्योंकि मैं बारंबार लोगों के बीच में बोलता हूँ कि आज भाटपाड़ा बैरकपुर पश्चिम बंगाल में न्यूटन का तीसरा नियम कार्य कर रहा है। आप जिस चीज को जितना दबाएंगे वो उतना ही अपनी विपरीत दिशा में कार्य करेगा। आज ममता बनर्जी, भगवा और जय श्री राम और भारत माता के जय के उद्घोष को जितना दबाना चाहिए यहाँ पे वो उद्घोष उतना ही तेजी से फैलता चला गया है। इसलिए भाटपाड़ा और बैरकपुर भगवामय हो चुका है। यहाँ के व्यक्ति राष्ट्रवादी हैं, यहाँ के व्यक्ति राष्ट्र के साथ चलना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलना चाह रहे हैं, इसलिए ये क्षेत्र पूर्ण रूप से भगवाधारी हो चुका है। आने वाले विधानसभा में भगवा रंग लाएगा? बिल्कुल रंग लाएगा भाई जी। मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ आपको चैनल के माध्यम से, ममता बनर्जी जी को भी ये पता चल चुका है कि पश्चिम बंगाल अपना एक नया रूप देने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल फिर से अपनी गरिमा को वापस लाएगा और ये पश्चिम बंगाल सोनार बांग्ला के रूप में फिर से जाना जाएगा। सोनार बांग्ला हम लोग बना के रहेंगे, यही भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना आत्मसंकल्प है और इस पर हम लोग दृढ़ संकल्प से हम लोग अपने आप को कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रियांकु जी से बात करने से ऐसा लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ममता दीदी लग खड़ाई हुई नजर आ रही हैं और इनकी जमीन खिसकती हुई जा रही है और आने वाले विधानसभा में हो सकता है कि जय श्री राम का नारा ममता दीदी को बहुत भारी पड़ेगा। स्पेशल कवरेज न्यूज़